हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आज के रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप मेरी कोई नई रिव्यू और नई अपडेट को मिस ना कर सके। तो चलिए आज के रिव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो आप जैसे देख ही सकते हैं, वो है एक्ट टू पॉपकॉर्न। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्ट टू पॉपकॉर्न ये जो छोटा पैकेट है ये क्लासिक सॉल्टेड है, तो मैं इस फ्लेवर पे आज आपको रिव्यू देने वाली हूँ। और एक्ट टू पॉपकॉर्न पहले इस छोटे फ्लेवर में और इस छोटे पैकेट में कभी नहीं आता था, ये हमेशा बड़ा होता था, बट रिसेंटली उन लोगों ने नया ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इससे पहले हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आप इसे कुकर में बना सकते हैं और ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। ये क्लासिक सॉल्टेड फ्लेवर है इसका और ये सिर्फ 10 रुपए में आता है और ये 40 ग्राम्स का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको बनाने के लिए कुछ कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको एक कुकर लेना है, उसे एक एम्प्टी कुकर लेना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसमें जो भी चीजें हैं ऑलरेडी है, चाहे वो ऑयल हो या कोई भी सॉल्ट हो, वो ऑलरेडी इसमें है, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कुकर की जरूरत है, खाली कुकर की जरूरत है। आपको ये जो पैकेट है उसमें खाली कर देना है, खाली कुकर में गैस ऑन करना है, मीडियम फ्लेम पर उसे रखना है और कुकर की जो लिड है आपको उसे उल्टी चढ़ानी है, जैसे हम प्रॉपरली बंद करते हैं हमें वैसा बंद नहीं करना है। और फिर 3 मिनट के लिए उसे हमें हल्के हल्के से टोस्ट करना है, उसे घुमाना है ताकि जो पॉपकॉर्न है वो नीचे के पॉपकॉर्न है वो अच्छी तरह से उसमें फूल कर तैयार हो जाए। सो ये इसके कुछ बनाने के इंस्ट्रक्शंस थे। और अगर चीजें हम इसमें देखने जाएं तो इसमें आपको एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीजें इसमें मिलेंगी, उसके अमाउंट यहाँ पे दिए गए हैं। और इंग्रेडिएंट्स इसमें जो यूज हो रहे हैं वो है पॉपिंग कॉर्न्स जो कि पॉपकॉर्न है, रिफाइंड एडिबल ऑयल और आइसोलेटेड सॉल्ट, ये तीनों चीजें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हो गया। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि ये खाने में कैसा है और क्या ये 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, और उसके ऊपर हम इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी चेक करेंगे और इसका टेस्ट कैसा है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। हम इसका पैकेट जो है हम इससे पहले ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिला है और ये दिखने में कैसा है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑयल क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मेरे हाथ पर भी लग गया है, ऑयल है इसमें, पॉपकॉर्न्स है और इसमें सॉल्ट है, इसको टच करने से आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब इसे मैं कुकर में एम्प्टी करने वाली हूँ और इसे बनाकर मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअल में कितने टाइम में बनता है, इसका टेस्ट कैसा है, प्लस इसकी जो क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो हमने इसे बना लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये हो गए हैं। बट इससे रिलेटेड जो मैं बातें आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया था या उसके डिटेल्स में नहीं बताया था, कि आपको ये जो पॉप्स है वो पॉपकॉर्न है ये मीडियम फ्लेम पर नहीं होते हैं, आपको इसे हाई फ्लेम पर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये प्रॉपरली पॉप नहीं होंगे और अच्छी तरह से अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें इसे हाई फ्लेम पर ही करना पड़ेगा। इसको कुकर में डालने से पहले आपको कुकर पहले ही चढ़ाकर थोड़ा सा गर्म कर लेना है होगा, उसके बाद ही आपके जो पॉपकॉर्न्स है वो अच्छी तरह से पॉप होंगे, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। और जहां तक की बात है 3 मिनट की, ऑफकोर्स ये 3 मिनट में तो नहीं होता है, आपको इसे कम से कम 5 मिनट देना होगा और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में अगर आप इसे कुकर में चढ़ाएंगे तो ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट अगर आप इसको कुकर के साथ में चढ़ाकर इसे गैस पर चढ़ा रहे तो ये कम से कम 5 से 6 मिनट डेफिनेटली आपका ले लेगा। तो ये बात हुई इसके बनाने की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के क्वालिटी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है और ये अच्छी तरह से हो गए, तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से डिस्क्रिप्शंस दिए थे डेफिनेटली ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो अब क्वालिटी तो इसकी काफी अच्छी है, तो अब टेस्ट की बात कर लेते हैं, इसे खाकर देखते हैं कि ये खाने में कैसा है। एज मेंशन क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली टेस्ट भी काफी अच्छा है इसका।
ये क्लासिक सॉल्टेड फ्लेवर है, तो यस इसमें सॉल्ट पता चल रहा है, बट अगर आप चाहें तो अपने साइड से एडिशनल सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ये 10 रुपए में तो मोर देन इनफ प्रोडक्ट है, मतलब आप ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, प्लस खाने में भी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से आपको जरूर इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप मेरा रिव्यू चाहते हैं, मेरा जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू एंजॉय दिस अमेजिंग डिलीशियस पॉपकॉर्न्स।